أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. سورة الكهف आयत नंबर 13 से है। अस्हाबे कहफ का इजमाली तज़किरा पहले आ चुका और ये कुरान मुकद्दस में एक वो वाहिद किस्सा है कि जिसको अल्लाह तबारक ताला ने दो हैसियतों से ज़िक्र फरमाया है, एक इजमाल और फिर इसकी तफसील। तो इजमाल आप देख चुके हैं, अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। तीन आयात के अंदर इसका इजमाल बयान फरमाया कि क्या आपका ये गुमान और ख्याल है कि अस्हाब कहफ का तज़किरा और अस्हाब रकीम का तज़किरा क्या हमारी कुदरत की निशानियों में से बहुत ही काबिल ताज्जुब बात है। यानी ये इतना काबिल ताज्जुब नहीं है, इससे और ज़्यादा काबिल ताज्जुब चीज़ें अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ मौजूद हैं। चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन ने यहूद के इशारे पर यह सवाल किया था कि अस्हाब कहफ कौन है, और यहूद और फिर यहूद के कहने पर मुशरिकीन इस वाक़े को बहुत काबिल ताज्जुब समझते थे कि कैसे हो सकता है, ये किस तरह से हुआ कि एक तवील ज़माना चंद अफराद जो है वो किसी गार के अंदर जाके सोते रहे और उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने उन्हें उठाया है या फिर वो उठाए गए। तो ये बात उनके लिए एक अजनबी और काबिल ताज्जुब बात थी, यहूद के लिए भी और फिर यहूद के कहने पर मुशरिकीन के लिए भी। तो उसी ताज्जुब को यहाँ पर ज़िक्र किया गया कि क्या आप लोगों को इस बात का ताज्जुब है कि अस्हाब कहफ का किस्सा बड़ा अजीब है? क्या इससे ज़्यादा ताज्जुब खेज बातें नहीं आई हैं? क्या अल्लाह की कुदरत के अंदर इससे ज़्यादा ताज्जुब खेज बातें आपने नहीं देखी? चुनाचे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान से ऐसे कलिमात का जारी होना और मौजज़े के तौर पर ज़ाहिर होना, ये कोई काबिल ताज्जुब अमर नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल में परवरिश पाई वहाँ लिखने पढ़ने का माहौल नहीं था, इसके बावजूद भी फसाहत और बलागत के आला दर्जे पर आपका कलाम है,
क्या ये काबिल ताज्जुब अमर नहीं है? तो ये सिर्फ इसी वाक़े को तुमने काबिल ताज्जुब समझ लिया है, हालांकि अल्लाह की कुदरत के और भी बड़े बड़े दलाइल हैं। इसलिए कहा अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ, आपका क्या ख्याल है कि असहाब कहफ का तज़किरा कोई बहुत काबिल ताज्जुब? वर रकीम, असहाब कहफ और असहाब रकीम, रकीम के दो माने हैं। बाज़ ने कहा कि रकीम भी गार ही का एक नाम है, और बाज़ ने कहा कि रकीम मरकूम से लिया गया है जिसका माना लिखा हुआ, और चूंकि इनके नामों की तख्ती वहाँ पर लगी हुई थी, लिखी हुई थी उस गार के अंदर, इसलिए इनको असहाब रकीम भी कहा गया। और कुछ मुफस्सरीन की ये राय है कि असहाब रकीम इनको इसलिए कहा जाता है कि जिस ज़माने में वो बादशाह ज़ालिम हुक्मरान था, और उस बादशाह के ज़माने में जब ये किसी गार के अंदर जाके छुप गए, रूपोश हो गए, तो उस वक्त उन्होंने अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए तलाश के, लेकिन इनको ये बाज़याब नहीं हुए। जब बाज़याब नहीं हुए तो उनके यहाँ भी ये मामला काबिल ताज्जुब बन गया कि ये लोग गए तो कहाँ गए। चुनाचे उन्होंने उनके नाम लिख कर, एक तख्ती पर लिख कर अपने पास ख़जानों के अंदर महफूज कर लिए कि चलो अगर हम मर गए तो हमारे बाद कोई आए तो शायद इस वाक़े का किसी भी जगह पर कोई इंकशाफ मौजूद हो, तो फिर ये नाम लिखे हुए जब पाए जाएंगे तो उन नामों के हिसाब से देख लिया जाएगा कि ये कब से गायब हुए हैं, कितना अरसा इनको जो है वो गुमशुदगी में, कितना ज़माना गुजर गया। उन्होंने वो तारीख मुकर्रर करके, जो तारीख थी जिस वक्त वो गायब हुए थे वो, और उनके नाम लिख कर अपने संदूकचों के अंदर रख दिए, तो इसलिए इनको असहाब रकीम भी कहा जाता है। और यहाँ एक बात ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बातें मैंने पीछे पहले अर्ज़ कर दी थी, लेकिन फिर आज चूँकि आगे वाक़े के साथ मुनासबत के लिए चंद बातें और अर्ज़ करता हूँ। इद अवल फितिया तो इल कहफी फ़कालु रब्बना, तो जब इन चंद जवानों ने कहफ और गार की तरफ पनाह पकड़ी, और उस वक्त के जो बादशाह थे, उस बादशाह की ज़िंदगी और उस बादशाह के दीन और उस बादशाह के का जो माहौल था, उस माहौल से एकदम ये लोग परेशान हुए, तो इन्होंने काफ़ी ज़िंदगी को इख्तियार किया, और इन्होंने ये कहा कि अब हमारे लिए बेहतर है कि हम यहाँ से निकल जाए। चुनाचे अल्लाह से दरख्वास्त की, क्या रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन, ऐ अल्लाह अपनी जानिब से हमें रहमत अता फरमा दीजिए, वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, और ऐ अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा कर दिए, रुश्द अता कीजिए कि इस मामले में हमें जो ख़तरात हैं उन ख़तरात से बचाव का तहफ़्फ़ुज़ भी हमें अता फरमाइए। और रुश्द का माना ये हुआ कि वहाँ जब हम काफ़ी ज़िंदगी को इख्तियार करेंगे, गार की ज़िंदगी को इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह हमारी तमाम तर ज़रूरियात की किफ़ालत भी आप फरमाइए। फ़दरबना अला आज़ानिहिम, ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है। फ़दरबना अला आज़ानिहिम, हमने उनके कानों पर थपकी दे दी, उनको सुला दी, जिस जगह पर कुफ्रिया माहौल हो, फिस्क और फजूर का माहौल हो, बुरी सोसाइटी हो। एक ये है कि आदमी उस बुरी सोसाइटी से, उस कुफ्रिया माहौल से अलग थलग हो जाए, लेकिन अलग थलग होने के बावजूद भी अगर वहाँ की रोज़मर्रा की खबरें कानों में पड़ रही हैं तो आदमी का ईमान महफूज फिर भी नहीं रहता, फिर भी खदशा रहता है, इसलिए कि खौफ और हरास जो फैल जाता है, और जब इस किस्म की खबरें कानों में पड़ती हैं तो जिनकी वजह से बस औक़ात इंसान का ईमान कच्चा हो जाता है, अल्लाह की ज़ात से आदमी मायूस हो जाता है, नाउमीदी की कैफियत पैदा हो जाती है, तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके कानों पर थपकी दे दी। माना ये हुआ कि बाहर की कोई खबर ताकि उनके कानों कान न पहुँचे, कोई खबर, किसी किस्म की खबर ताकि उनके कानों कान न पहुंचे, ये इंतज़ाम अल्लाह तबारक ताला ने इसलिए करवाया। और ये बड़ी अहम बात है, बड़ी गौर तलब बात है कि आज भी अगर हम किसी गंदे माहौल से, बुरे माहौल से अगर हम कटना चाहते हैं, अलहदा होना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आप अपने वजूद को और जिस्म को वहाँ से अलग कर दें, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि वहाँ की तमाम तर मालूमात और ख़बरें भी आपके कानों में न पड़े,
तब तो आपके ईमान का तहफ्फुज़ हो सकेगा। तो ये इशारा इस बात की तरफ कि पुरफितन ज़माने में सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने वजूद को अलग कर दें, बल्कि वजूद को अलग करने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर उस बुरे और गंदे माहौल की किसी भी किस्म की मालूमात आप न फराहम करें और न उस मालूमात और उन चीज़ों की तरफ आप किसी किस्म की तवज्जो दें। इसलिए है फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, हमने उनके कानों पर मोहर लगा दी। फिर उसके बाद सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैन अहसा लिमा लबिसू अमदा, यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता ज़हन नशीन फरमा लीजिए। फिर हमने उन्हें उठाया लिनअलम, और ताकि हम इस बात को जाहिर करें कि अय्युल हिज़्बैन, दोनों जमातों में से कौन सी जमात अहसा लिमा लबिसू अमदा, अपनी मुद्दत को कौन सी जमात ज़्यादा बेहतर शुमार कर रही है। अब यहाँ एक माना तो ये है कि दो जमातें, दो जमातों से मुराद इन्हीं के दो ग्रोह बन गए, जैसे आगे आएगा सात लोग थे। तो अब उनमें से कुछ ने ये कहा कि कितना रहे हो, किसी ने कहा कि आधा दिन, किसी ने कहा कि एक दिन। ये है अहसा लिमा लबिसू अमदा कि एक कह रहे हैं कि इतना वक्त हुआ, दूसरा कह रहे इतना हुआ। लेकिन एक और अहम बात है यहाँ ज़हन नशीन करने की है कि हिज़्बैन दो जमातें। अब दो जमातें कौन सी हैं, एक जमात काफियों वाली, यानी जिन्होंने कहफ की ज़िंदगी गुजारी, ये चंद अफराद जो जवानों की जमात थी जिन्होंने कहफ की ज़िंदगी गुजारी, उस गंदे और बुरे माहौल से अलग थलग होकर ये ज़िंदगी जिन्होंने गुजारी, एक तो ये जमात। और दूसरी कौन सी जमात है, दूसरी जो उसी कुफरिया ज़िंदगी के अंदर, फिस्क और फजूर वाली ज़िंदगी के अंदर, बुत परस्ती और शिर्क वाली ज़िंदगी के अंदर जो वक्त गुजार रहे थे, यानी वो बादशाह और उसके गिर्द नवाह का माहौल। तो एक वो जमात हो गई और एक ये काफ़ी ज़िंदगी गुजारने वाली जमात हो गई। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि फिर हमने उन्हें उठाया लिनअलम, ताकि हम जाहिर करें, इसका तर्जमा अगर आप यूं कर ले कि इन दोनों जमातों में से किसने अपने वक्त को कीमती बना लिया। बात समझे भाई, इन दोनों में से किसने अपने वक्त को बेहतरीन बना लिया, किसने अपने वक्त को बेहतरीन शुमार कर लिया। तो यकीनन अपने वक्त को बेहतरीन किसने शुमार किया, जिन्होंने उस बुरे माहौल से अलीहदगी इख्तियार की और यहाँ आकर अपने ईमान को उन्होंने बचा लिया, महफूज कर लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वक्त को बेहतरीन सर्फ कर लिया। भाई आप ये बताइए कि एक आदमी फिस्क और फजूर और गंदगी और बुराई के और कुफरिया माहौल को छोड़कर जब किसी नेक माहौल में आकर वक्त गुजारता है, तो यकीनन उसने अपना वक्त ज़्यादा कीमती बना लिया उस शख्स से कि जो उसी गंदे और बुरे माहौल के अंदर। तो ये है अहसा लिमा लबिसू अमदा कि हमने उन्हें उठाया ताकि इस बात ये बात जाहिर हो जाए कि किसने अहसा लिमा लबिसू अमदा, इन दोनों जमातों में से कौन सी जमात ने अपने वक्त को ज़्यादा बेहतर शुमार किया, अपने वक्त को ज़्यादा कीमती बना लिया, अपने वक्त को ज़्यादा अच्छा कर लिया, किसने बेहतरीन शुमार किया। जाहिर है जिन्होंने कहफ के अंदर ज़िंदगी गुजारी। ये तो इजमाल हो गया। अब इजमाल के बाद तफसील है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक, हम आपके सामने, नहनु नकुस्सु अलैका, हम आपके सामने किस्सा बयान करते हैं, वाकया बयान करते हैं, नबअहुम उनकी खबर का, बिलहक इजहार हक के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक के लिए। चूँकि यहूद के ईमा पर इशारे पर सवाल ये किया गया कि आप बताइए कि असहाब कहफ कौन हैं, और जाहिर सी बात है कि असहाब कहफ का वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और पैदाइश से सदियों पहले का वाकया है। तो देखते हैं ये नबी बता सकेगा या नहीं, और यहूद पहली किताबों में पढ़ चुके थे। तो अगर ये नबी पर हक हुआ तो ये वही के ज़रिए से बतला सकेगा। तो फरमाया बिलहक हमने आपकी नबुवत की तस्दीक करने के लिए, हक को जाहिर करने के लिए, हक को गालिब करने के लिए हम आपको ये वाकया सुना रहे हैं। क्या वाकया, इन्नहुम फितियतुन, ये चंद जवान थे। फितिया से इशारा इस बात की तरफ है कि किसी कौम की तरक्की का बहुत बड़ा सरमाया जवान हुआ करते हैं, इसलिए फितियतुन, चंद जवान थे। फतेह की जमा है फितिया, चंद नौजवान लोग थे। और ये नौजवान चंद गरीब लोग नहीं थे,
ये साहिब सरवत लोग थे, साहिब माल थे, अरबाब इख्तदार की औलादें थीं। ऐसा नहीं है कि जनाब कोई ऐसे गरीब किस्म के लोग हों और उन्होंने तन्हाई इख्तियार कर ली। यानी ज़िंदगी के लज्जत के सारे असबाब उनके पास मौजूद थे, उसी माहौल के अंदर रहते हुए सारे असबाब ज़िंदगी की लज्जत के उनके पास मौजूद थे। सिर्फ़ एक काम उनको करना था कि बादशाह के सामने सजदा कर लें, यानी अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत और तौहीद को छोड़कर शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुबतला हो जाएं। ये बात थी बस। अगर ये बात वो कर लेते तो उनको ज़िंदगी की हर लज्जत मैसर थी। उनको इख्तदार भी मैसर था, उनको माल भी मैसर था, उनको हर चाहत मैसर थी, सब कुछ उनको मालूम था, सबको उनको हासिल था। लेकिन उन्होंने अपने ईमान का तहफ्फुज़ ज़रूरी समझा और उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी को इख्तियार किया। इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम, उन्होंने अपने परवरदिगार पर ईमान लाया। अब यहाँ ये बात ज़हन नशीन फरमाइएगा, अपने परवरदिगार पर ईमान लाया का मतलब क्या है? ईमान तो था ही था, लेकिन अपने परवरदिगार पर 100% उन्होंने तवक्कुल और भरोसा किया कि अगर हम इस बुरे माहौल से, गंदे माहौल से कटकर एक तन्हाई की ज़िंदगी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला कदरदान है, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। यह आमनु बिरब्बिहिम, उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने परवरदिगार पर भरोसा किया। और वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हिदायत को, उनकी रहनमाई को, उनके रुश्द को और बढ़ा दिया। पहले तो वो साहिब ईमान थे, अब साहिब विलायत हो गए, गोया कि अल्लाह के वली बन गए। पहले तो ईमान का दर्जा था ही था, ईमान के दर्जे के बाद जब उन्होंने अल्लाह की ज़ात आली पर तवक्कुल करके उस बुरे माहौल को उन्होंने खैरबाद किया और छोड़ दिया, तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक तआला ने क्या अता फरमाया? विलायत, रुश्त, बुलंद दर्जा। यह वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी रहनमाई को और उनकी हिदायत को और उनके ज़ोहद और तकवे को हमने और बढ़ा दिया, और हमने उनको इल्म से, अमल से, तकवे से, ज़ोहद से हमने उनको नवाजा। सबर, तवक्कुल, ज़ोहद फि दुनिया, दुनिया से बेरग़बत हो गए। अल्लाह पाक ने ये सब चीज़ें, देखो एक है कि इंसान दुनिया के माहौल से कट जाए और दुनिया की बहुत सारी कुर्बानियां दे दे, बहुत सारी चीज़ें आदमी छोड़ कर आ जाए, लेकिन उन चीज़ों के छोड़ने पर उनको कलक और अफसोस हो रहा हो, वो फिर कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जिस ईमान के लिए इसने कुर्बानी दी है और सब कुछ छोड़ कर आया है, उस पर दिल भी मुतमईन हो, क्योंकि खुशी की बात है कि मैंने अपना ईमान बचा लिया, बाकी अपने अकरबा, अपने आयज़ा, रिश्तेदार, सब कुछ हमने छोड़ छाड़ दिया है, हमने ईमान को इख्तियार किया। ये माना है वज़िदनाहुम हुदा का। इसको अगर आप सूरत तगाबन की एक आयत के साथ जोड़े, वमन युमिन बिल्लाह यहदि कल्बह, जो शख्स अल्लाह पर कामिल भरोसा और ईमान और तवक्कुल रखता है, अल्लाह उसे रहनमाई देता है। वहाँ रहनमाई का मतलब क्या है कि अल्लाह पाक उसे शरह सदर अता फरमाता है कि जो काम मैंने किया मैंने ठीक किया। नहीं समझे बात? एक तरफ कुफ्रिया माहौल हो, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आप जायज़ा लीजिए, आप अलैहिस्सलाम के माहौल का आप जायज़ा लें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पेशकशें नहीं की गई, माल, औरत, इख्तदार, हर शय की पेशकश की गई, आप एक काम छोड़ दें, ये जो आप सिर्फ एक ही रब की बात कहते हैं ये आप छोड़ दें। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब कुर्बानियाँ दे दी, सब चीज़ों को आपने छोड़ दिया, लेकिन जो अल्लाह पाक ने आपको फरीज़ा और आपको मनसब अता फरमाया था उसमें आपने किसी भी किस्म की कोताही नहीं की। तो इसको कहते हैं कि मैं युमिन बिल्लाह, और इस पर आप अलैहिस्सलाम को शरह सदर भी था। ऐसा नहीं है कि जैसा कि आप यूँ समझे ना कि एक आदमी ने अगर बुरा माहौल छोड़कर ईमान की खातिर तजर्रुद इख्तियार किया हो, तन्हाई इख्तियार की हो, वहदत इख्तियार की हो, तो जब वो लोगों की बातें सुने तो फिर क्या हो जाए? परेशान हो जाए आदमी, सोचे, फिर आदमी अपने फैसले पर क्या करेगा? नज़रसानी करेगा कि शायद मैंने कोई गलत किया है, सब छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, ये भी लज्जत थी, ये भी लज्जत थी, ये भी राहत, ये भी आराम, फलां फलां फलां। अल्लाह तबारक ताला ने वो सारे असबाब ही ख़त्म कर दिए। क्यों? कानों पर ही जो थपकी दे दी अल्लाह पाक, सुलाई जो दिया अल्लाह पाक ने,
तो वो नजर सानी के सारे मवाक़े ही अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दिए। ये क्यों हुआ, इसको समझिएगा ज़रा। ये इसलिए हुआ कि जब उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ईमान के बचाने के लिए, तो अल्लाह तबारक ताला ने भी, अल्लाह पाक ने भी मिल्लतनी तौर पर अपनी जानिब से ख़ास इनायत अता फरमाई है कि अल्लाह ने भी उनके ईमान का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और अल्लाह पाक ने उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के सारे असबाब इख्तियार फरमा लिए और असबाब इख्तियार करके उनको मुकम्मल सुला दिए। अल्लाहु अकबर। वरबतना अला कुलूबिहिम, और फरमाया कि हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, हमने उनके दिलों पर गिरह कर दी। अब ये बात वही आ गई, हमने उनके दिलों पर गिरह कर दी, क्या माना, शरह सदर हो गया कि हमने ठीक फैसला किया है। अपने फैसले पर कोई नादिम और शर्मिंदा नहीं थे, नजर सानी के मुतमन्नी बिल्कुल नहीं थे। इज़कामू फ़कालू रब्बुना, इज़कामू जब वो खड़े हुए, यहाँ खड़े होने से मुराद खड़ा होना नहीं है, जो बैठा हुआ आदमी खड़ा हो गया ये मुराद नहीं है। इज़कामो मुराद ये कि जब किसी काम के लिए तैयार हो जाना, कहने कि फलां आदमी फलां के सामने खड़ा हो गया, डट गया, ये है माना। इज़कामो जब वो उस कुफ्रिया ताकत के सामने डट गए, फ़कालू कहने लगे, रब्बुना रब्बुस समावाती वल अर्द, हमारा परवरदिगार, हमारा रब वो है जो आसमानों और ज़मीनों का रब है। लन नदउअ मिन दूनिही, हम हरगिज़ नहीं पुकारेंगे बुलाएंगे, मिन दूनिही उसके अलावा, इलाहन किसी भी माबूद को। अगर हमने ऐसा कर दिया, लकद कुलना इदन शतका, अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर समझ लो कि हमने कही होगी बात कौन सी ऐसी जो जुल्म और ज्यादती की बात हो। यहाँ दो लफ्ज़ ज़रा समझ लीजिए, एक रब और एक इलाह। रब का माना क्या होता है, तरबियत करने वाला। रब का माना क्या होता है, पालने वाला। रब का माना पैदाइश से लेकर मौत तक तदरीजन तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने वाला, तरबियत करने वाला, लेकर चलने वाला, जिंदगी के असबाब बनाने वाला, जिंदा रखकर उसको जिंदा रखने के जो असबाब हैं उन असबाब को पैदा करने वाला, रोज़ी को फराहम करने वाला, रिहाइश का इंतज़ाम करने वाला, खाने पीने की चीज़ें फराहम करने वाला, आबो हवा और पानी फराहम करने वाला। माना यह कि हर हर शय फराहम करने वाला, आपकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात फराहम करने वाला, वो क्या कहलाएगा, रब। जब आपकी जिंदगी की तमाम तमाम तर जरूरियात फराहम करने वाला अल्लाह है, तो फिर माबूद का माना क्या है, जिसकी बंदगी की जाए। इलाह का माना क्या है, जिसकी बंदगी की जाए। तो जब हमारी तमाम जरूरियात वही अल्लाह पूरी कर रहा है तो फिर क्या किया जाए, बोलो, फिर माबूद भी उसी को बनाया जाए। ये क्या हुई बात के हम इस बात के कायल हैं कि हाँ हमारी ज़रूरियात सारी की सारी अल्लाह पूरी कर रहा है, लेकिन जब बात आए बंदगी और माबूद बनाने की तो हम अल्लाह के अलावा किसी गैर को माबूद बना लें। जब ये नज़रिया है, ये अकीदा है कि हाँ आसमानों और ज़मीनों का जो रब है, आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाला और उनका निज़ाम बनाने और चलाने वाला जो अल्लाह है वही हमारा रब है, तो फिर ये भी हमें मानना पड़ेगा कि माबूद भी हमारा क्या होना चाहिए, वही अल्लाह होना चाहिए। तो अब इनका ये नारा देखिए, ये इनका मस्ताना नारा था, ये इनका नारा तौहीद था। क्या, फ़कालू कहने लगे, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा परवरदिगार और हमारा रब तो वही है जो आसमानों और ज़मीनों का रब। जब वो आसमानों और ज़मीनों का रब है तो फिर क्या करेंगे हम, अब नतीजा क्या निकला, लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन, फिर हम हरगिज़ उस अल्लाह के अलावा, उस रब के अलावा किसी को हम माबूद नहीं पुकारेंगे। लन नदउअ, हरगिज़ नहीं पुकारेंगे किसी को, इलाहन किसी माबूद को, किसी और को हम माबूद बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने ऐसा कर लिया, लकद कुलना इदन शतका, तो फिर तो समझ लो कि बड़ी ज्यादती की बात हो जाएगी। इसलिए कि दिया सारा उसने,
खाया सारा उस अल्लाह का दिया हुआ, उस रब का दिया हुआ सारा खाया, उसकी नियमतें इस्तेमाल की, उसकी दी हुई लज्जतें इस्तेमाल की, लेकिन जब बात आए मुश्किल कुशा हाजत रवा बंदगी करने की तो हम किसी गैर की बंदगी करें, ये कैसे हो सकता है? उनका ये तो बड़े खसारे की बात हो जाएगी, इसलिए हम ये करने को तैयार नहीं हैं। कि ये तो उस जो वो माहौल था बादशाह और उसके गिर्द नवाह के जो लोग थे वो भी मानते थे कि अल्लाह तबारक तआला आसमानों और ज़मीनों का रब है। जब आसमानों और ज़मीनों का रब वो अल्लाह है तो इन्होंने क्या कहा, फिर हम ये मानेंगे कि हमारा रब भी वही है जो आसमानों और ज़मीनों का है, फिर हम बादशाह को माबूद नहीं बना सकते, फिर हम बादशाह के किसी माहौल को हम माबूद नहीं बना सकते, फिर हम माबूद भी उसी रब को बनाएंगे। बात समझ में आई? हाँ उलाए कौम उत्तखदु मिन दूनिही आलिहा। अब कौम के नजरिए को बयान किया, हाँ उलाए ये लोग कौमुना ये हमारी कौम ये हमारे लोग इत्तखदु मिन दूनिही आलिहा इन्होंने अल्लाह के सिवा को माबूद बना लिया है। इत्तखदु मिन दूनिही उस रब जो आसमानों और ज़मीनों का था, जो हमारे सारे काम बनाने वाला था, जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका बख्शा है, जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने के असबाब अता फरमाए हैं, ये लोग उस रब को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाए हुए हैं। कौमुन इत्तखदु इत्तखदु मिन दूनिही आलिहा इन्होंने क्या किया, बना लिया अल्लाह के सिवा उस रब के सिवा औरों को माबूद, और एक भी नहीं कई कई बना लिए इन्होंने। लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, क्यों नहीं इस पर कोई वाज़ेह और बड़ी दलील लेकर आते, जिस तरह से हम तौहीद पर दलील पेश कर रहे हैं। नहीं समझे बात? उन्होंने क्या कहा, हम तौहीद पर दलील पेश कर रहे हैं। क्या दलील पेश की? कि भाई हमारा रब वही अल्लाह है, एक ही, जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। तो इनको भी अपने नज़रिए और अकीदे पर कोई ऐसी ठोस मजबूत दलील पेश करनी चाहिए। लौला यातून, क्यों नहीं लेकर आते अलैहिम अपने ऊपर बिसुल्तानिन बय्यिनिन, कोई वाज़े दलील लेकर क्यों नहीं आते अपने माबूदों पर, कोई दलील क्यों नहीं लेकर? देखो सुल्तान का माना क्या है, बादशाह, और यहाँ सुल्तान बमानत दलील के है। बादशाह जो होता है सुल्तान सल्तनत से है, सल्तनत कहते हैं सीन लाम त्वा सलत, सलत का माना होता है गालिब होना, और बादशाह भी जो कर सब पर क्या होता है, गालिब होता है ना, उसको सुल्तान इसलिए कहते हैं। तो ये ऐसी दलील क्यों नहीं लेकर आते जो इंसान के तमाम नज़रियात और अकायद पर गालिब आ जाए, गलबा पा ले। देखो तौहीद की वो दलील है, अल्लाह को एक मानने के ऐसे दलाइल हैं कि अगर आदमी गौर करे तो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, सोचों के अंदर जो कुफ्रिया नज़रियात हैं उन तमाम के तमाम नज़रियात पर ये गलबा पाने वाली दलील है। तो इनको तो ऐसी दलील लानी चाहिए, लेकिन कहाँ से लाएं? इसलिए कि झूठ ही झूठ है, शिर्क ही शिर्क है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा कौन सा ज़ालिम हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। इन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा है। कैसे अल्लाह पर झूठ बांधा है? अल्लाह पर इन्होंने झूठ बांधा है, ये बादशाह के सामने सजदा कर रहे हैं, और बादशाह के सामने सजदा करके ये नज़रिया कायम कर रहे हैं कि इससे अल्लाह क्या होता है, खुश होता है, या अल्लाह का हुक्म है। तो ये क्या है, अल्लाह पर झूठ बांधना है। तो एक तो इन्होंने आपस में बहस ये की कि भाई हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमानों और ज़मीनों का है, लिहाजा हमें उसे छोड़कर किसी और को माबूद, ये एक नारा लगाया। नंबर दो, हाँ उलाए कौमुन तखदु, कौम की हालत को बयान किया कि इन्होंने उस रब को छोड़कर औरों को माबूद बनाया है, और इस पर इन्होंने कोई दलील भी नहीं पेश की है। तीसरी बात, वइज़ इअ'तज़ल्तुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अऊ इलल कहफ, ये भी बड़ी अहम बात है, आप पहले इसका तर्जमा मुलाहजा फरमाइए। वइज़ इअ'तज़ल्तुमूहुम, आपस में ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं वइज़ इअ'तज़ल्तुमूहुम, और जब तुम लोग जुदा ही हो गए हो, अलहदा हो गए हो, इअ'तज़ाल का माना अलग हो जाना, जब तुम अलहदा हो गए हो उनसे, किन से, बादशाह और उसके सारे माहौल से, उस बुरी सोसाइटी से, उस कुफ्रिया सोसाइटी से, उस बुरे माहौल से, जब आप अलग हो ही गए हो, वमा याबुदून इल्लल्लाह, और सिर्फ उन्हीं से तुम अलग नहीं हुए हो बल्कि क्या किया है, उनके नज़रिए से भी तुम अलग हो गए हो। नहीं समझे बात?
वो बुरा माहौल आपने छोड़ दिया और वो बुरे नजरियात भी आपने छोड़ दिए। तो दोनों काम आपने किए कि आपने वो माहौल छोड़कर आप गार के अंदर आ गए, और नंबर दो उनके जो नज़रियात थे वो नज़रियात भी आपने तर्क कर दिए। एक तो ये कि आदमी वो माहौल और सोसाइटी छोड़ दे लेकिन किसी दूसरी जगह पर जाकर उसी नज़रिए पर की पैरोकारी करे तो फिर क्या है, फिर फ़ायदा तो नहीं है ना। हिजरत किस लिए की कराई जाती है भाई? भाई हिजरत इसलिए होती है कि आप इस माहौल के अंदर रहकर दीन पर अमल नहीं कर सकते, लिहाजा आप इस हिजरत यहाँ से हिजरत कर जाइए, दूसरी जगह पर जाइए। और दूसरी जगह पर जब आप गए हैं और हिजरत की है, वहाँ जाकर आपने वही काम करने शुरू कर दिए जो पहले से चले आ रहे थे पीछे, तो फिर हिजरत का फ़ायदा तो नहीं हुआ। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल मुहाजिरु मन हजर सू अवल खताया। हकीकत में हिजरत करने वाला वो है जो हिजरत करके गुनाहों को छोड़े। हिजरत किस लिए की थी? दीन पर अमल करने के लिए। लेकिन हिजरत करके भी अगर दीन पर अमल ना किया तो फिर क्या हिजरत है? बात समझे भाई? तो ये कहा जा रहा है कि जब तुमने हिजरत कर ही ली है, कर ली कौन सी जिंदगी, वो बुरा माहौल और सोसाइटी आपने छोड़ दी और वहां से हिजरत करके कहाँ आ गए? गार्क। तो जब आप वैदे अतजल तुमोहम, जब आप उनसे जुदा हो गए, वमा याबुदूना, और उनसे भी कि जिनकी वो बंदगी वो लोग करते हैं, जिनको वो अपना रब और माबूद मानते हैं अल्लाह के सिवा, जिनको भी वो माबूद मानते हैं, तो फिर क्या है? फ़ाउलकाफ, अब तुम्हें गार में पनाह ले लेनी चाहिए। इसलिए कि इस माहौल में अब हमारा गुजारा नहीं है, हम उन नज़रियात की पैरोकारी नहीं कर सकते। तो लिहाजा फ़ावो इलल कहफ़े, अब ठिकाना पकड़ लो किसी गार में जाकर। यनशुर लगुम रब्बुकुम मिर रहमतिही, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत को खोलेगा। यनशुर लगुम, फैला देगा तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी तरफ से रहमत। वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, और आसान कर देगा, तैयार कर देगा, तहैया तैयार करना, युहय्यि लकुम तैयार कर देगा तुम्हारे लिए, मिन अम्रिकुम तुम्हारे मामले में, मिरफ़क़न आसानी, अल्लाह पाक तुम्हारे मामले में आसानी पैदा कर देगा। इसलिए कि तुमने अपना बुरा माहौल छोड़ा, पहला ख़तरा तुम्हें तुम्हारी जान का है, फिर ख़तरा तुम्हें तुम्हारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का है, फिर तुम यहाँ से लेकर जब गार में जाओगे तो तुम्हें खदशा है कि वहाँ हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, हमारी ज़रूरियात कैसी पूरी होगी, हमारी ज़रूरियात का तकफ़ुल कैसे होगा, सर्दी गर्मी से बचाव के असबाब हम कैसे इख्तियार करेंगे। कुछ ज़रूरत का सामान इन्होंने साथ ले ही लिया होगा यकीनन। तो फिर जब वो गार की ज़िंदगी में चले गए तो कहा तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। नंबर एक, तुम्हारी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, नंबर दो, तुम्हारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाएगा, और नंबर तीन, तुम्हें वहाँ रहने के जो असबाब होंगे अल्लाह वो भी फराहम करेगा। अब उन असबाब का तज़किरा आया कि अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी के असबाब कैसे बनाए। वतरश्शमसा इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन, वतरश्शमसा, और तू देखेगा ए मुखातब, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिताब हो सकता है और हर शख्स को। वतरश्शमसा, तू देखेगा, ये तफसील है मिन आयातिना अजबा, कि हमारी कुदरत की अजीब तर निशानियों में से है। वतरश्शमसा, और तू देखेगा सूरज को, इदा तलअत, जब वो तुलू होता है, तज़ावरु अन कहफिहिम, तज़ावरु तो वो कतरा जाता है, अन कहफिहिम उनकी गार से। ये गार शिमालन और जुनूबन, ये कहफ एक होता है गार और एक होता है कहफ। कुरान मजीद में गार का भी लफ्ज़ आया है, इद हुमा फिल गार इद यकूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार में जब जाके वक्त गुजारा, वो गारे थौर कहलाती है। और गार उस हिस्से को कहा जाता है कि जो पहाड़ के अंदर हो लेकिन बहुत महदूद और थोड़ी सी जगह। और कहफ का इतलाक आम तौर पर उस जगह पर होता है कि जो गार के अंदर कुशादा जगह, और बाज़ ने यह भी लिखा है कि उस कुशादगी के साथ साथ इस तरह से भी हो कि वो दोनों तरफ से आर पार हो, खुला हुआ, कि सूरज जब तुलू होता है तो भी धूप आती है और जब गुरूब होता है तो भी धूप आती है। अब इसको आप तसव्वुर कीजिए, एक पहाड़ है और जब पहाड़ किस तरफ से सूरज जब मशरक़ी जानब से तुलू होता है तो तुलू के वक्त भी वहाँ धूप पड़ेगी, और जब ऐन जवाल में सूरज ऊपर आ जाएगा तो चूंकि ऊपर पहाड़ हाइल है तो धूप नहीं पड़ेगी।
और जब गुरूब हो रहा है तो फिर गार का मुंह सूरज के सामने आ जाएगा, तो फिर गुरूब के वक्त भी वहाँ धूप का कुछ हिस्सा पड़ेगा। चूँकि धूप इंसान की नशोनमा और इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने धूप का भी इंतज़ाम फरमाया। अच्छा, मुकम्मल अगर सारा का सारा दिन वो धूप में रहे तो वो ज़्यादा धूप मुज़िर भी है। तो जितनी ज़रूरत थी धूप की, अल्लाह पाक ने उस धूप का इंतज़ाम उनके लिए फरमा दिया कि रात की वजह से या मौसम की वजह से, बारिश की वजह से वहाँ जो नमी पैदा हो और उस नमी की वजह से क्या क्या चीज़ें वजूद में आएँ, कीड़े मकोड़े वजूद में आएँ, अल्लाह तबारक तआला ने इतना धूप का इंतज़ाम कर लिया कि वो नमी ताकि खुश्क हो सके। तो ये इशारा इस बात की तरफ है कि जब एक इंसान सारे माहौल को छोड़कर अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा करता है तो अल्लाह का मिलदुनी निज़ाम, गैबी निज़ाम उसके साथ चलता है। सूरज चांद सितारे ये सब कुछ अल्लाह ने किस लिए बनाया है? इंसान के लिए बनाया। तो ये सब इंसान की खिदमत पर मामूर हैं। तो आपको याद होगा शुरू में क्या कहा था कि अल्लाह तबारक ताला लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु, उस अल्लाह की जानिब से एक बास शदीद, एक जंग मुसल्लत होगी, उस जंग से डराया जा रहा है। तो जिस तरह से वो जंग मुसल्लत होगी, मिन लदुनी अल्लाह की जानिब से मुसल्लत होगी, वो ख़तरा और ख़दशा अल्लाह की जानिब से मुसल्लत होगा। इसी तरह से जब एक आदमी ऐसे ख़तरात के ज़माने में अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ भी और उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी मिल्लदुनी तौर पर अल्लाह करता है, गैबी तौर पर अल्लाह पाक उसकी जान का और उसके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये है वतर शम्स इज़ा तलअत तज़ावर, और तू देखेगा सूरज को इज़ा तलअत, जब वो तुलू हो रहा था, तुलू हो रहा हो तो तज़ावरु अन कहफिहिम, और उनकी गार से तज़ावरु ज़रा कतरा के गुज़रता है, मैलान करके गुज़रता है, ज़ात अल यमीन दाई जानेब हर हल्की सी किरने धूप की वहाँ पड़ती थी, मुकम्मल सूरज की धूप नहीं पड़ती थी ताकि उनके जिस्म को किसी किस्म की अजियत ना हो। वइदा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ात अल शिमाली, और जब वो गुरूब होता था तो तक़रिज़ुहुम किनारा कशी इख्तियार कर लेता था सूरज ज़ात शिमाल बाई जाने, वहम फ़ी फजवतिन मिन हो, हालाँकि वहम फ़ी फजवतिन, वो एक कुशादा मैदान के अंदर थे, उस गार के अंदर कुशादगी थी, ज़मीन अंदोज जो जगह बनी हुई होती है, ये उसी तरह की आप जगह इसको समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक ताला ने उनकी हवा का भी इंतज़ाम फरमाया, अल्लाह ने उनकी धूप का भी इंतज़ाम फरमाया, इसके बावजूद भी किसी किस्म की गार के अंदर उनको तंगी नहीं थी बल्कि फराखी थी, जगह की कुशादगी थी। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये तो अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयात में से एक आयत है। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह रहनुमाई देता है वही रहनुमाई पर होता है, जिसको अल्लाह हिदायत अता करता है वही हिदायत पर होता है। और यहाँ इशारा इसी बात की तरफ है कि इनको अल्लाह तबारक ताला ने रहनुमाई दी और इन्होंने अल्लाह से रहनुमाई तलब की, उस तलब पर अल्लाह ने इनको रहनुमाई दी। وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, और जो गुमराह जिसको अल्लाह पाक कर ले, फलन तजिद लहू, तो नहीं पाएगा उनके लिए कोई वली कोई रफीक, मुर्शिदन रुश्त देने वाला, रहनमाई देने वाला। ये जो रुश्त के लफ्ज में कह रहा हूं इस पर आप गौर फरमाइए, रुश्त किसको कहते? रुश्त का हम आसान तर्जमा रहनुमाई से करते हैं, रुश्द का हम तर्जमा हिदायत से भी करते हैं, और ये हिदायत से आला दर्जा है रुश्द का। इसके मुकाबले में गई आता है, गुमराही। लेकिन रुश्द के अंदर पांच चीज़ें होती हैं। अब दो आयतें इसके साथ और पेश करता हूँ। वलकद आतैना इब्राहीम रुश्दहू, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्द अता किया। तो ये वो सिफत है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की सिफत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने रुश्द अता फरमाया। अब सूरतुल हुजरात की आयत जिसमें इरशाद फरमाया, वालमु अन्न फीकुम रसूल अल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीर मिनल अम्र लअनतुम वलकिन्नल्लाहा हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान।
ईमान दिल में महबूब हो जाए। रुश्त किसको कहते हैं? ईमान दिल में महबूब हो जाए। नंबर दो, इस्लाम जिस्म पर सज जाए, सर से लेकर पैर तक, मामलात भी, माशरत भी, इज़दवाजी ज़िंदगी, आयली ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, तजारती ज़िंदगी, 100% इस्लाम के मुताबिक हो। और दिल के अंदर भी ईमान इतना रचा बसा हुआ हो कि जो अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता फरमाई है, सारी दुनिया भी उससे छिन जाए तब भी वो ईमान पर मुतमईन हो कि मैंने अच्छा फैसला किया। तो दिल में ईमान मुजयन हो जाए, इस्लाम जाहिर में सज जाए, दो बातें हो गई। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और दिल के अंदर कुफर भी नापसंद हो जाए, काफरों की जिंदगी को देखकर ललचाई हुई नजरों से आदमी न देखे। जितनी ताकतें दुनिया की अल्लाह ने उनको दे दी हैं, जो कुछ लज्जतें अल्लाह ने उनको दे दी हैं, तब भी हम ये कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, उनके साथ पास सब कुछ है लेकिन ईमान की दौलत नहीं है, अल्लाह मेरे पास कुछ भी ना हो मुझे तूने ईमान की दौलत तो अता फरमाई, कुफर से तो तूने मुझे बचाया है, इतनी कुफर की नफरत होनी चाहिए। वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र, और कुफर के साथ फसूक, फिस्क और फजूर की भी नफरत हो, गुनाह के करीब जाना, नाफरमानी के करीब जाना ऐसे बुरा लगता हो जिस तरह से आग के अंदर छलांग लगाना आदमी को नागवार होता है, इस तरह से नाफरमानी की तरफ जाना आदमी को नागवार, और जुल्म और ज्यादती भी इंसान के नज़दीक नागवार हो जाए। तो दो चीज़ें महबूब हो जाएं, तीन चीज़ें मबगूज हो जाएं। बात समझे भाई? दो चीज़ें महबूब हो जाएं, तीन चीज़ें मबगूज नापसंदीदा हो जाएं। दो चीज़ें महबूब हो जाएं क्या क्या? ईमान और इस्लाम। मैंने अर्ज़ किया कि दिल के अंदर अकायद और नज़रियात मजबूत हो जाए, इस्लाम ज़ाहिर में सच जाए, कुफर से, फिस्क और फजूर से और जुल्म और ज्यादती से इंसान को नफरत होने लगे, जिसमें ये पांच खूबियां हैं, उलाइका हुमुर राशिदून, ये है रुश्द व हिदायत। ये अल्लाह पाक ने सहाबा के फ़ज़ाइल में ये बात जिक्र फरमाई, उलाइका हुमुर राशिदून। फिर फरमाया फजलम मिनल्लाह व निअमा, ख़ास तौर पर ये रुश्द ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह की नियमत है, अल्लाह जिसे अता करे, ये अल्लाह की अल्लाह का फजल है और अल्लाह की नियमत है। आज हम माल को फजल समझते हैं, आज हम माल को नियमत समझते हैं, आज हम दुनिया को नियमत समझते हैं, आज हम ईमान को नियमत नहीं समझते। अल्लाहु अकबर। इसलिए समझने की ज़रूरत है। ये है मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जो जिसे अल्लाह ने हिदायत दी वही हिदायत पर है, और जो गुमराह हो गया फलन तजद लहू वलिया मुर्शिदा, और तू नहीं पाएगा उनके लिए कोई वली मददगार मुर्शिदा जो उनको क्या अता करे? रुश्द अता करे। रुश्द तो अल्लाह ही देता है। वतहसबहुम अयकादन वहुम रुकूद। अब मजीद अल्लाह पाक ने उनके तहफ्फुज़ के असबाब जिक्र फरमाए। पहले एक सबब तो ये था वतरा शम्स इदा तलअत तज़ावर, वो था सबब आराम, आराम के असबाब, धूप इतनी तेज ना हो जाए कि आदमी की नींद खराब हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल धूप ना हो तो इंसान के जिस्म खराब हो जाए। अल्लाह पाक ने वो असबाब अता फरमाए। वतहसबहुम अयकाज़न, अब यहां पर मजीद अल्लाह पाक ने तहफ्फुज़ के चार असबाब जिक्र फरमाए हैं इस आयत के अंदर। वतहसबहुम अयकाज़, और आप उनको गुमान करते होंगे अयकाज़न कि वो जागते हुए, वहुम रुकूदुन, हालांकि वो सो रहे थे। इसका माना क्या है? वो बात है फ़ज़रबना अला आदानहिम, क्या माना कि हमने उनके कानों पर थपकी दे दी और उनको हमने सुला दिया। जब उनको हमने सुला दिया है तो वतहसबहुम अयकाज़न, अल्लाह पाक ने आंखों को खुला छोड़ दिया। इससे जब इंसान सोता है तो आंख क्या होती है? बंद जाती। वतहसबहुम अयकाज़न, कि तू गुमान करेगा कि वो जागते हुए हैं, वहुम रुकूदुन, हालांकि वो क्या हैं? वो सो रहे थे। और ये अल्लाह ने उनके तहफ्फुज़ का ये पहला जरिया कायम किया इसलिए कि आंखें अल्लाह ने खुली रखी ताकि कोई आकर इनको नुकसान ना पहुंचा सके। आदमी देखता है ना, ये जाग रहा है, चुकन्ना है, अपने माल जान की ठीक है भाई, और अगर सो रहा है वो गाफिल है तो फिर चोर को, उचक्के को मौका मिलता है वहाँ। इसलिए फरमाया
نمبر دو وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم ان کو کروٹیں دے رہے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب, اور کروٹیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ جب مسلسل ایک آدمی کا جسم زمین کے ایک ہی حصے کے ساتھ لگا رہتا ہے تو کیڑے پڑ جانے کا خدشہ ہے, زخم ہو جانے کا خدشہ ہے, اس لیے بار بار کروٹیں لگتی رہیں تاکہ ادھر بھی ہوا موجود رہے ادھر بھی ہوا موجود رہے, جسم کے ہر حصے کو ہوا لگتی رہے. نمبر تین وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, تیسری بات یہ تھی کہ وہ کلب ہم اور ان کا کتا باسطن وہ پھیلائے ہوئے تھا ذراعی اپنے دونوں بازوؤں کو بالوسیط چوکھٹ پر. یہ جب اپنے اس برے ماحول سے نکلے تو جب جنگل کے پاس اس کہف کے پاس آئے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے پاس ایک کتا بھی تھا, اور وہ بھی بادشاہ کے اس ماحول سے اس برے ماحول سے اس بری سوسائٹی سے تنگ تھا, تو چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں, اور اس کے ساتھ تھا کتا اور وہ کتا بھی آگے یہاں بیٹھ گیا. کتا رکھنا اور کتا پالنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہوں سے کتے کو رکھنے کی اجازت دی ہے, اجازت مرحمت فرمائی. کلب صید کلب حراسہ, کلب صید شکار کے لیے کوئی آدمی کتا رکھنا چاہتا ہے گنجائش ہے, لیکن شکار کے لیے جو کتا ہوگا وہ شکاری کتا, اس کو باقاعدہ سے سکھایا جائے گا شکار. سورۃ المائدہ کے اندر اس کی تفصیل آئی, یعنی یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ نے سورۃ المائدہ میں اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ وہ کلب وہ کتا جو معلم ہو سدایا ہوا ہو سکھایا ہوا ہو, اور وہ جب شکار آپ کے لیے کرے گا تو وہ شکار کھانا آپ کے لیے حلال ہے, اس کے لیے شرائط شریعت نے مقرر کی ہے. نمبر ایک آپ نے جب اس کو چھوڑا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر آپ نے چھوڑا, نمبر دو وہ اتنا سدایا ہوا ہو کہ جب اپنے شکار کو جائے اگر جاتے ہوئے بہت تیز دوڑتا ہوا جا رہا تھا آپ اس کو بلائیں تو واپس آ جائے, تو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے. اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر اس کتے کا شکار کھانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں ہے. پھر نہیں سمجھے بات, غور کرو غور کرو, وہ آپ کی جب نہیں مان رہا تو وہ کتنا برا ہو گیا, تو جب انسان اللہ کی نہ مانے گا تو پھر سوچنے کی بات. تو یہ دوسری بات ہے, دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو آپ بلائیں وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چل رہا ہے, وہ آپ کے حکم کے پیچھے چل رہا ہے, وہ دوڑ رہا ہے. کیوں؟ آپ نے اس کو شکار کے پیچھے لگایا تو دوڑ رہا ہے, تو جب وہ آپ کی اتنی رعایت رکھے کہ جب وہ دوڑا شکار کی طرف اور آپ نے بلایا تو واپس آ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شکار کے پیچھے آپ کے حکم کی وجہ سے جا رہا ہے, اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں جا رہا. انسان جب خواہش کا پجاری ہو جائے تو پھر. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب وہ جا کے شکار کرے تو اس نے اس کو کھایا نہ ہو, اس کو پکڑ لے, وہ زخمی تو ہو گیا ہو, دانتوں سے زخمی ہو گیا, یہ سدھایا ہوا کتا کہلاتا ہے اور یہ کلب معلم کہلاتا ہے سکھایا ہوا کتا. اور یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا لگ گیا اور اس نے بھی مل کے شکار کیا اور وہ سدھایا ہوا نہیں تھا تو وہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا, اس دوسرے پر بسم اللہ نہیں پڑی گئی تو آپ کے لیے شکار حلال نہیں ہوگا. تو یہ ہے کلب صید شکاری کتا. دوسرا ہے کلب حراسہ چوکیداری کے لیے کتا رکھنا. چوکیداری کے لیے کتا رکھنا, کھیت ہے فصل ہے کہیں بھی کسی بیابانے میں آپ رہتے ہیں اور وہاں آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی جانور کوئی درندے آ کر آپ کے مال کو آپ کے جانوروں کو اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو وہاں حفاظت کے طور پر اگر آپ کتا رکھتے ہیں تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے, اس کے علاوہ نہیں جائز. سخت گناہ کی بات ہے, اور ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ روزانہ اس کے اجر میں سے اتنا اتنا اجر کم ہوتا رہے گا, اس کی نیکیوں میں سے اتنا اتنا اجر کم ہوتا رہے گا کتا رکھنے کی وجہ سے. بلا وجہ کیوں پالتے ہیں آج؟ اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور خاص طور پر کالے کتے کے حوالے سے تو بہت سخت تاکید آئی ہے, جس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نشان ہوتے ہیں اس کی بہت سخت تاکید آئی ہے, اس کو تو شیطان کہا گیا ہے حدیث میں. تو اس لیے آج بہت سارے لوگ شوقیہ پالتے ہیں, اور ان کی نگہداشت کرنا اور ان کی اتنا تحفظ اور ان کی وہ کیا, وہ آپ اور اس کا سارا تحفظ کر رہے ہیں, وہ آپ کا کیا تحفظ کرے گا؟ تو اس طرح سے پالنا آج کل جو گھروں کے اندر رواج ہے یہ جائز نہیں ہے, سراسر گناہ کی بات ہے.
अपने आमाल को ज़ाया करना और बर्बाद करने की बात है, ऐसे घरों में फिर अल्लाह की रहमतें कैसे दाखिल हों। तो बहरहाल वकल बहुम बासितुन ज़िराअही बिल वसीद, और यहाँ एक बात और भी ज़ेहन नशीन फरमा लीजिए, वसीद चौखट, घर के बिल्कुल बाहर का हिस्सा, और वो चौखट पर घर से बिल्कुल बाहर है। ये भी समझाया जा रहा है कि इसको रखने का अगर कोई रखता भी है तो किस तरह का मकाम है, ये घर के अंदर का नहीं है। वकल बहुम बासितुन ज़िराअही बिल वसीद, और उनका कुत्ता वो चौखट पर अपने हाथों को फैलाए बैठा हुआ था। ये अल्लाह पाक ने तहफ्फुज़ का तीसरा इंतज़ाम फरमाया, लवित तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारन वलमलित मिनहुम रुअबा। और चौथा सबब अल्लाह पाक ने यह जिक्र फरमाया, लवित तलअत अलैहिम, अगर तू उनको झांक के देखना चाहता, लवल्लैत मिनहुम फिरारन, तो उनको देख कर तू भागता, वलमलित मिनहुम रुअबा, और उनको देख कर तेरे अंदर रौब तारी हो जाता। असल में उनकी कैफियत और हालत ही अल्लाह पाक ने ऐसी बना दी थी कि देखकर दहशत आती थी, खौफ आता था। तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने तहफ्फुज़ का निज़ाम बनाया ही इसीलिए कि ताकि कोई इनको छेड़छाड़ ना करे, कोई इनको नुकसान न पहुंचा सके। तो इसलिए अगर कोई गुजरने वाला वहाँ से गुजरता भी तो यही सोचता कि भाई ये चंद लोग लेटे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, भाई इनको छेड़छाड़, कुत्ता भी सामने बैठा हुआ है, मुनासिब नहीं है, ऐसा ना हो कि पकड़ के कोई मार दें, ऐसा ना हो कि कुत्ता ही काट ले। तो इसलिए कोई गुजरने वाला अगर देखता भी तो गुजर जाता, ये हाल था। तो ये अल्लाह पाक ने असबाब जिक्र फरमाए हैं, चार उनके तहफ्फुज़ के असबाब। अब वकदालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, ये बात भी बड़ी अहम है। इसको कहते हैं बास, बादल मौत पर दलील, मरने के बाद उठाए जाने पर दलील। तो ये असहाबे कहफ का जो किस्सा और वाकया सुनाया है, इस वाक़े का मकसद क्या हुआ? इस वाक़े का मकसद ये हुआ कि मरने के बाद तुम उठाए जाओगे। जो परवरदिगार सदियां सुला कर फिर उठाने की कुदरत रखता है, वो मौत के बाद भी तुम्हें उठाने की कुदरत रखता है। वकदालिक बअसनाहुम, इसी तरह से हमने उनको उठाया है। यानी ये जो पिछले मामलात सारे हुए, वो सारे के सारे मामलात अजनबी मामलात हैं और काबिल ताज्जुब बातें हैं कि सूरज किस तरह से तुलू होता है वहाँ, सूरज किस तरह से गुरूब होता है, और इसी तरह से अल्लाह तबारक ताला ने उनकी हिफाजत के जो असबाब फरमाए वो सब के सब काबिल ताज्जुब हैं। इसी तरह से बास ना हम लियतसा अलू, इसी तरह से ये काबिल ताज्जुब अमर भी है कि हमने उनको उठाया है। लियतसा अलू बैनहुम, अंजाम ये हुआ कि फिर वो आपस में पूछने लगे, काल इलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, उनमें से एक कायल ने कहा, कम लबिस्तुम, तुम लोग यहाँ कितने रुके हो? आपस में एक दूसरे से सवाल करने लगे। कालू रब्बुना, कालू लबिस्ना यौमन औ बादा यौम, बाज ने कहा कि हम ठहरे हैं एक दिन या आधा दिन, बादा यौम आधा दिन, एक दिन या आधा दिन। ये इसलिए है हालांकि 309 साल हो गए थे, 309 साल की मुद्दत को उन्होंने कहा एक साल या आधा दिन, और एक दिन या आधा दिन है। तो ये एक दिन और आधा दिन इसलिए कि जब वो सुबह वहाँ गार के अंदर लेटे थे आराम के लिए, तो उस वक़्त सूरज तुलू हुआ था, तुलू हो रहा था, और जब बेदार हुए तो सूरज गुरूब हो रहा था। तो बस यही कहा होगा कि एक दिन हुआ पूरा हमें या आधा दिन पूरा हुआ। कालू रब्बुकुम, दूसरे बाज ने कहा, रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा परवरदिगार ही खूब जानता है तुम कितने रहे हो यहाँ पर, इस बहस में मत पड़ो। फबअसु अहदकुम बिवरिकिकुम हादिही इलल मदीना, फबअसु, भेजो अहदकुम अपने में से एक को, बिवरिकिकुम, ये कुछ चांदी के सिक्के देकर भेजो, और शहर में जाए, हाज़िही इलल मदीना, इस शहर में जाए, वही अपना जो जिससे छोड़कर आए थे, और फल यंजुर अय्युहा अज़्का तुआमन, और जाके वो देखे जो पाकीज़ा खाना है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन और हलाल खाना है, फल यातिकुम बिरिज़्क मिन हो, उसमें से कोई खाने की चीज़ लेकर आए, वल यतलत्तफ़, और नरमी से वो मामला करे लोगों के साथ, दुकानदारों के साथ, वला युशइरन्न बिकुम अहदा, और ख्याल करना कि तुम्हारे ऊपर किसी को शुऊर न हो, यानी कोई भी तुम्हारे बारे में मुत्तले न हो। बात समझे भाई? तो जब अल्लाह पाक ने उनको दोबारा से जिंदा किया, उठाया, तो अब आपस में बहस हुई, कितना वक्त सोए? अब अंदाजा कीजिए कि इतने तवील जमाने में खाने पीने से अल्लाह ने उनको मुस्तगनी रखा,
अल्लाह ने उनकी भूख भी पूरी फरमाई, उनकी प्यास भी अल्लाह पाक ने, प्यास के असबाब भी पूरे फरमाए, खाने के असबाब भी अल्लाह ने पूरे। अल्लाह पाक कादर मुतलक है, जो खाने के ज़रिए से इंसान का पेट भरता है वो बग़ैर खाए भी अल्लाह तबारक ताला वो इंसान का पेट भर सकता है। बग़ैर पिए जो इंसान जो पिला कर इंसान की प्यास बुझाता है वो बग़ैर पिए भी इंसान की प्यास को बुझा सकता है। ये अल्लाह की कुदरतें हैं, ये समझनी चाहिए। तो अब आपस में बहस मुबासा हुआ कि भाई कितना वक्त रहे, कहा भाई इस बहस को छोड़ो, अब भूख महसूस हुई, इसलिए कि बेदार हुए तो भूख महसूस हुई, और भूख भी महसूस हुई। ये गौर कीजिए इस वाक़े पर, ये गौर कीजिए इस वाक़े पर, भूख महसूस हुई, मोहताजी महसूस हुई, ताकि इनकी इस बुजुर्गी की वजह से इनको कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा ना माने, नहीं समझे, इनको कोई मुश्किल कुशा ना माने। ये बुज़ुर्ग तो हो गए, शायद अल्लाह पाक ने अपनी उलूहियत का कोई अंसर इनके अंदर दाखिल कर दिया है, इतना अजीब काम इनसे हुआ ना। ये बंदे हैं फिर भी, ये मोहताज हैं, ये खाने के मोहताज हैं। बेदार हुए, फौरी भूख का शऊर हुआ, भूख का एहसास हुआ, तो कहने लगे चलो एक को भेजो जाके शहर से कोई खाना लेके आ जाए। अच्छा, शहर से पहले भी खाना लाते थे, इस आराम से पहले, सोने से पहले अपना बेस बदल कर जाते थे और जाकर वहाँ खाना लेके आ जाते थे। अब भी उसी तरह से कहा कि भाई जाओ जाके ये चांदी के कुछ सिक्के थे लो और जाके खाना लेके आओ। यहाँ पर चंद बातें काबिले गौर हैं। पहली बात तो ये कि वो मोहताज थे, खाने के मोहताज थे, उलूहियत का कोई अंसर उनमें नहीं है, मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है। नंबर दो, फल यंजुर अय्युहा अज़का तुआमन, जाओ जाके पाकीज़ा खाना लेकर आओ। पता चला कि खाना आदमी को वो वसूल करना चाहिए, वो खाना चाहिए जो हलाल भी हो, साफ़ सुथरा हो, पाकीज़ा हो। यादा ये शहर के अंदर अब जगह जगह जाके खाना खाते हैं, इसकी तमीज़ किए बग़ैर खाना सही भी है कि नहीं, हलाल ज़बीहा है कि नहीं है, पकाने वाले साफ़ सुथरा रख कर पकाते हैं, सफाई सुथराई का अहतमाम करते हैं कि नहीं, तहारत का इंतज़ाम करते हैं कि नहीं, इसका फ़र्क किए बग़ैर सिर्फ अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए हम खाना खाते हैं होटलों में जाके, और सैर व सेहत के लिए जब दोस्त जाते हैं, पिकनिक के लिए जब दोस्त जाते हैं, आउटिंग के लिए जब निकलते हैं, तो क्या होता है उसमें ये सारी तमीज़ें साइड पर कर देते हैं। हालांकि जो आपने अपने मकाम पर रहकर नेक आमाल किए, उन सारे के सारे आमाल को आप एक दिन के अंदर जाके बर्बाद करके आ गए। इसलिए कि खाना हलाल का ना हो, हराम का माल पेट में चला जाए, नापाक और गिलाजत वाली चीज़ें आपके पेट में चली जाएँ, तो उससे तो इबादत मुतासर हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि हम उस माहौल को छोड़कर आए हैं अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लिहाजा ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि हम खाना भी कैसा खाएं, पाकीज़ा खाना खाएं, हलाल तय्यब खाना खाएं, उसके अंदर हराम की आमेज़श नहीं होनी चाहिए। यह है फल यंजुर अय्युहा अज़का तुआमन, लिहाजा देखे जाके कौन सा पाकीज़ा खाना है। फल यातिकुम बिरिज़्क़िन मिन, और उस पाकीज़ा खाने में से कुछ खाने की चीज़ लेकर आए। नंबर तीन, वलयतलत्तफ़, नरमी से बात करें, और यहाँ नरमी वैसे भी ख़रीदारी में नरमी, बेचने में नरमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक रहम फरमाए उस शख्स पर जो ख़रीदारी में नरमी करे, और उस पर भी रहम फरमाए जो बेचने में नरमी करे, और उस पर भी रहम फरमाए कि जो तकाज़ा करने में भी नरमी करे। ख़रीदार कैसे नरमी करता है भाई? ख़रीदार की नरमी ये है कि ख़रीदने वाला उस दुकानदार को पैसे दे दे जो कीमत मुतय्यन हुई है, अगर समझता है कि हाँ ये कीमत मुनासिब है, उस कीमत से दो पैसे ऊपर दे दे, ये नरमी है। आजकल आप यूँ समझिए कि एक ठेला लगाया हुआ आदमी है, वो गरीब रोज़ाना ठेले से क्या कमाता है, एक रोड पर खड़ा कोई मजदूरी कर रहा वो क्या कमाता है, आदमी उसकी मजदूरी से भी पैसे कम कराता है। 50 रुपए की चीज़ ख़रीदता है, वो भी कहता है कि मुझे 30 की मिल जाए, और अगर वो 50 की चीज़ उसने किसी मजबूरी में अगर 10 की 20 की दे दी तो खुशी से नहीं समाता इंसान, फूल जाता है कि मैंने आज बेहतरीन सौदा हो गया।
अल्लाह का बंदा ये नहीं देखता कि जो यहाँ आदमी कमाने के लिए खड़ा है, मजदूरी के लिए खड़ा है, उसकी भी बीवी बच्चे हैं, उसका भी पेट है, उसकी भी ज़रूरियात हैं, उसके साथ नरमी और खैरखाई किया है कि उसको दो पैसे अब ज़्यादा दे दें। अल्लाहु अकबर। जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़दर सहाबी हैं। वो फरमाया करते थे, मुझे मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत की कि मैं हर मुसलमान के साथ खैरखाई किया करूँ, लिहाजा वो जब भी कोई चीज़ ख़रीदते थे पैसे दो ऊपर देते थे। समझो भाई, तो 500 की चीज़ 10 रुपये ऊपर देने से हम गरीब नहीं हो जाएंगे, अगले का दिल खुश हो जाए, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल हो जाए। देखो तो सही, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा अपने खादिम से कहा, एक घोड़ा ख़रीद कर लाओ। वो घोड़ा ख़रीद के ले आई। कितने का लाए हो? 400 दिरहम। किससे लाए हो? फलां से। बुलाओ उसको। मालिक का बुलाया। कितने का बेचा आपने? 400 का। खुशी से? जी मैंने खुशी से दिया। तो फरमाया कि क्या मैं आपको 500 दिरहम ना दे दूँ? तो कहा दे दें। फिर फरमाया मैं आपको 600 ना दे दूँ? कहा दे दें। 700 दे दे। 800? तो उसने कहा आप मेरे साथ मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर 800 दिरहम दिए, और चूंकि खुद घोड़ों को अच्छी तरह से समझते और जानते थे, फरमाया कि देखो मेरे हिसाब से इसकी कीमत 800 है। पता ये चला कि उस आदमी ने मजबूरी में आकर 400 का बेचा है, उसे माल की इस वक्त ज़रूरत थी। फरमाया मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं मुसलमान के साथ खैरखाई करूं, मैं इस वक्त आपकी मजबूरी से क्यों फ़ायदा उठाऊं? अल्लाहु अकबर। 50 रुपये सदका करना आसान है, लेकिन 50 रुपये वहाँ दुकानदार को इजाफा देना मुश्किल है। समझे ना? तो ये है नरमी करना। किसको? ख़रीदार को नरमी करनी चाहिए। इस ये शख्स काबिल रहम है। इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया रहीम अल्लाह, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। अल्लाह के नबी ने दुआ दी है। नंबर दो, बेचने वाला भी रहम करे, बेचने वाला नरमी करे। और बेचने वाले की जानिब से नरमी क्या है कि वो मुनासिब मुनाफा रखकर अपनी चीज़ को बेचे, वो भी सामने वाले की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाए, वो भी बदतमीज़ी से पेश ना आए, वो अखलाक से पेश आए, बेहतरीन तरीके से पेश आए। और नंबर तीन, तकाजा करने वाला यानी अपने कर्ज का मुतालबा करने वाला, वो भी नरमी करे, मोहलत दे अगले को। आप ने इरशाद फरमाया गुज़िश्ता उम्मतों में से एक शख्स था, अल्लाह तबारक ताला के सामने वो पेश हुआ, अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश फरमा दी इस बुनियाद पर कि वो अपने मकरूज़ों को मोहलत दिया करता था। कहा जाओ तुमने मेरे बंदों को गुंजाइश दी और मोहलत दी और उनके साथ रियायत करता था, मैंने इस पर तेरी बख्शिश और मफरत कर दी। तो इसलिए इस्लाम हमें ये माशरा देता है, ये बातें हमें सिखाता है। यह है वल यतलत्तफ़, नरमी इख्तियार की जाए। ये कुरान का बिल्कुल वस्त है, अल्फाज के एतबार से, शुरू से लेकर आखिर तक तीसरे पारे तक जितने भी अल्फाज, जितनी भी सूरतें हैं, जितने भी कलिमात हैं, उनका दरमियानी लफ्ज़ है वल यतलत्तफ़। वल यतलत्तफ़ का माना क्या है? लुत्फ, मेहरबानी करना, नरमी करना, प्यार करना। वलयतलत्तफ और नरम और नरमी इख्तियार करे वो, वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, और ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर कोई शख्स मुत्तले हो जाए, इसलिए कि अगर मुत्तले हो गए तो नुकसान पहुँचाएंगे आप। इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम अव युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम, इसलिए कि अगर वो गालिब आ गए तुम्हारे ऊपर, यज़हरू अलैकुम गालिब आ गए, यरजुमूकुम तो तुम्हें पत्थर मारकर संसार कर देंगे, अव युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम या ये वो आपको वापस लुटा कर ले जाएंगे अपने मज़हब में, यानी इकराह और जबर करके आपको अपने दीन में ले जाएंगे। वलन तुफ्लिहु इदन अबदा, और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया दोनों सूरतों में कि अगर तुम मर गए तो फिर एक तो मौत है, और दूसरी सूरत है कि तुम्हें उन पे दीन, उनके दीन पे जाना पड़ेगा, या मौत या उनका दीन। तो मौत है तो शहादत है, समझ में आई है, लेकिन वलन तुफ्लिहु इदन अबदा, अगर वो कामयाब हो गए और उन्होंने तुम्हें अपने दीन में वापस लुटा दिया और कुफर की तरफ तुम्हें ले गए जबरन, तो फिर तुम कामयाब नहीं हो जाओगे। वकذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق,
अब बात आई है वकदालिका आसरना अलैहिम, हमने मुत्तलिع किया इनके हालात पर, अस्हाब कहफ के हालात पर मुत्तलिع कर दिया लोगों को। ये मुत्तलिع कैसे किया? हुआ ये कि जब ये आदमी वो वरक और वो सिक्के लेके शहर में गया, और उस ज़माने में ये होता था कि सिक्कों पर वक्त के बादशाह का नक्श और नाम होता था, तो जब ये जाके उसने दुकानदार को सिक्के दिए तो वो तो जनाब 300 साल पुराना सिक्का। तो उस दुकानदार ने सोचा कि ये कहाँ से ले आया है, या तो इसको कोई खुफिया ख़जाना हाथ लगा है, ये कहाँ से आ गया। अच्छा, 309 साल गुजरने के बाद आज वहाँ इतना इनकलाब आ चुका कि बादशाह भी नेक हो गया, पूरा का पूरा माशरा बदल गया, कुफर और शिर्क से तोबा करके नेकी की तरफ आ गए, इताअत और फर्माबरदारी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये एक इनकलाब आ गया वहाँ। तो अब जब वो उसने वो सिक्के देखे, ये तो पुराने हैं, कहाँ से लाए हो? फलां जगह से। तुम कहाँ थे? ये करते करते वो बात खुल गई। अच्छा, जब ये बात खुली तो इसी असना में पहले से कई दिनों से, कई महीनों से कहिए या कई सालों से कहिए, ये बात गर्दश कर रही थी। मैंने आपको अर्ज़ किया था पहले, वो याद होगा कि वो जो पहला बादशाह था जालिम, उसने क्या किया था? उसने इनके नाम लिखकर अपने ख़जाने में डाल दिए थे, और आने वाले जितने बादशाह थे वो देखते थे उनको कि ये लोग कहाँ गए आखिर। और अब ये खबर इतनी उरूज पर थी कि बच्चा बच्चा इस किस्से को जानता था कि 300 साल हो गए हैं, कुछ लोग यहाँ से फलां फलां घर से फलां फलां बस्ती से गायब होते, आज तक उनको हता पता नहीं है, उनका नामो निशान ही नहीं। तो ये खबर इतनी चर्चे में आ चुकी और इतनी शोहरत पकड़ चुकी थी कि हर शहरी इस बात को जानता था कि 300 साल पहले ऐसा वाकया हुआ, और आज तक कहीं उनका सुराग नहीं मिला, वो कहाँ गए। उस मौके पर जब खबर का इतना चर्चा हो गया, अल्लाह ने उनको उठाया और बेदार किया ताकि लोग समझ जाएं जिस अल्लाह ने आज उन्हें उठाया है वो मरने के बाद भी उठा सकता है। इसको कहते हैं वास बादल मौत पर दलील, मरने के बाद उठाए जाने पर दलील। अब देखिए जरा, वकदारी का असर ना अलैहिम, इस तरह से हमने उनको उनके ऊपर मुत्तलिع किया, लियालमु अन्न वादल्लाहि हक, ताकि लोग इस बात को समझ सकें बेशक अल्लाह का वादा बर हक है, व अन्न साअत ला रैब फीहा, और क़यामत कायम है। अन्न वादल्लाहि हक का मतलब क्या है? कि अल्लाह का वादा सच्चा है, मरने के बाद उठाए जाने की बात बर हक है, वन सात ला रैब फीहा, और क़यामत के वाक़े होने में कोई शक नहीं है। इव यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फ़क़ालु इब्नु अलैहिम बुनियाना। खैर, अब वो बादशाह साहब जो थे इस वक्त जो नेक बादशाह थे और माहौल बदल चुका था, तो ये सब के सब वहाँ गार में पहुँच गए उन लोगों से मुलाकात के लिए, देखने के लिए। जाहिर है 300 साल हो गए हैं, वो पुराने लोग हैं, देखें तो सही कैसे हैं, क्या नौइयत है। तो सब के सब के उन्होंने फिर अपनी बकिया ज़िंदगी वहाँ ही गुजारना पसंद की, हम यहीं रहे। अब वहाँ क्या किया जाए? पुराने ज़माने में ऐसा होता था और आजकल भी है कि शाहकार के तौर पर, यादगार के तौर पर कोई वहाँ निशान बनाते हैं लोग, तो लोगों ने आपस में बहस मुबासा करना शुरू किया कि यहाँ हम यादगार के तौर पर कोई इमारत बना लेते हैं, कोई कुब्बा बना लेते हैं। बात समझे भाई? अब हमारे ज़माने में मज़ार बनना शुरू हो गई, ये भी एक यादगार है, पीर साहब की, बुज़ुर्ग साहब की, ये भी यादगार है। वो एक वाक़या आता है, किस्सा आता है कि एक शख्स ने कहीं चोरी की, चोरी किया कि उसने दो चीनी के थैले चोरी कर ली, और वो ले कर चला गया। तो जब तफ्तीशी आए, पुलिस आई, तो उसने सोचा आप मेरे पास से ही तो निकलेंगे, बरामद हो जाएंगे तो फंस जाऊँगा। करीब में कुआँ था, उसने जल्दी जल्दी जाके एक थैला उसके अंदर फेंक दिया, दूसरा थैला फेंकने लगा तो खुद भी साथ नीचे चला गया। खैर, उसने जब शोर शराबा किया तो लोगों ने देखा एक आदमी कुएं में गिर गया, पानी भी है नीचे, तो लोगों ने उसको निकाला। तो बाहर जब निकला तो थोड़ी देर के बाद उसका इंतकाल हो गया, पानी में डूबा हुआ। तो अब जब इंतकाल हुआ तो रात को उन लोगों ने उनको दफना दिया। सुबह जब वहाँ कुएं से पानी निकाला गया तो पानी मीठा, तो वो इस साहब के कब्र पर मज़ार बन गया कि ये क्या है? बुज़ुर्ग हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, इसलिए कि यहाँ गए तो पानी क्या हो गया? यहाँ तो बुज़ुर्गी का मेयार ये है भाई, यहाँ वली बनने का मेयार ये है।
हकायक नहीं देखते, वो अलग है चोर है, लेकिन वो अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर भी इसी तरह से बहस मुबासा हुआ कि क्या किया जाए, क्या बनाया जाए। तो किसी ने कहा कि एक बुलंद इमारत बनाए। मुसलमान जो लोग थे और जो दीन पर उस वक़्त कायम थे, उन्होंने कहा कि यहाँ हम इबादत खाना बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। इव यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नू अलैहिम बुनियाना, आपस में बहस मुबासा हुआ, फ़क़ालू इब्नू अलैहिम बुनियाना, भाई इस पर कोई इमारत बनाएं। मुशरिकों ने कहा कि कोई कुब्बा बनाएं जो निशानी हो, और जाहिर सी बात है कि वहाँ जाके लोग पूजा पाठ करेंगे। आजकल भी इसी तरह से होता है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस जिस रास्ते से गुजरे हिजरत में, जहाँ जहाँ आपने क़याम फरमाया जा रोके, वहाँ मस्जिदें तामीर हैं। ठीक है, ये यादगार है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ यहाँ क़याम फरमाया था। रब्बुहुम अअलमु बिहिम, अल्लाह तबारक तआला बहुत खूब उनके हालात से आगाह है। قال الذين غلبوا على امرهم, कहा उन लोगों ने जो उमरा थे उस वक़्त के अहले ईमान थे, لنتخذن عليهم مسجدا, हम इस पर क्या बनाएंगे, एक मस्जिद बनाएंगे। चुनाचे इसी बात पर इत्तेफाक राय हुआ और वहाँ एक मस्जिद बना दी गई। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم, अब बात यह है कि इनकी तादाद क्या है। سيقولون ثلاثة, ये लोग कहेंगे अन करीब सलासतुन, यानी यहूद के उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो लोग हैं वो कहेंगे कि सलासतुन ये कितने थे, तीन थे। राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था। वयकूलून खमसतुन, कुछ लोग कहेंगे ये पांच थे। सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा इनका कुत्ता था। रजमन बिल गैब, ये सारी की सारी बातें बेतुकी हैं। रजम कहते हैं तीर फेंकना, बिल गैब बगैर निशाने के तीर फेंकना, बगैर दलील के बात कहने को अरबी जबान में रजमन बिलगैब कहा जाता है। जैसे एक आदमी बगैर निशाने के तीर फेंक रहा है, इसी तरह से एक आदमी बगैर दलील के बात कर रहा, उसको भी रजमन बिलगैब कहते हैं। वयकूलूना सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम, और कुछ लोग यूं कहेंगे कि सबअतुन ये कितने थे, सात। वसामिनुहुम कल्बुहुम, और आठवां इनका कुत्ता था। कुर रब्बी आलम बिइद्दतिहिम, कह दीजिए मेरा परवरदिगार खूब जानता है उनकी तादाद को। मा यालमुहुम इल्ला कलील, उनको कोई नहीं जानता मगर चंद लोग जानते हैं, बहुत थोड़े जानते हैं। फला तुमारी फीहिम, लिहाजा आप बहस मुबासा न कीजिए। इल्ला मेरा अन ज़ाहिरन, मगर सरसरी तौर पर इतनी जितनी की कुरान ने आपको बता दी, इससे ज़्यादा तह में न पढ़िए। वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, और असहाब कहफ के मामले में यहूदियों में से किसी से भी आप सवाल मत कीजिए, इसलिए कि उन्होंने इस वाक़े के साथ रत्व याबिस हर किस्म की बात मिलाई हुई है, मनघड़त मिलाकर इसको गलत नौइयत के साथ पेश कर रहे हैं, लिहाजा आप इसमें बहस मुबासा ना कीजिए। अब यहाँ ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि तादाद के मुतालिक क्या बहस है। देखो, कुरान मजीद हमेशा मकसूदी बात कहता है, गैर मकसूदी अज्जा को कुरान छोड़ देता है। गैर मकसूदी अज्जा से मुराद ये कि वो दुनिया के किस खित्ते में वाक़ हुए हैं, इन अज्जा को कुरान जिक्र नहीं करता, क्योंकि कुरान का मौजू जो है वो हिदायत इंसानी है, इंसानों को रहनमाई देना है, वो तारीख बयान करना मौजू नहीं है। हाँ, तारीख के वाक़ात कुरान लाता है, लेकिन उसका जग्राफियाई निज़ाम कुरान जिक्र नहीं करता, बहुत कहीं 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 इशारा मिलता है। इसी तरह से इनके भी जो हालात हैं, अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ इतना तादाद के मामले में, चूँकि तादाद मकसूदी नहीं है, चाहे एक हो चाहे पचास हो, चाहे एक हो चाहे आठ हो चाहे सात हो चाहे कि जितने भी हों, हमें इससे बहस नहीं है। बहस ये है कि अल्लाह पाक ने एक तबके को एक ज़माना सुलाया, उसके बाद उठाया, बस। जिस परवरदिगार के लिए हज़ारों को सुलाकर उठाना आसान है, उसी के लिए जो रब एक को उठा सकता है, वो सब के लिए भी क़यामत कायम कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। चूँकि ये मकसूदी बात कुरान जिक्र करता है। अब चूँकि बहस ये आई कि तादाद क्या है, तो कहा यहूद कहेंगे कभी तीन, और कभी कहेंगे जनाब पाँच थे, खमसतुन पाँच थे और छठा इनका कुत्ता था। इन दोनों बातों के साथ कुरान कहता है रजमन बिल गैब, बेतुकी बातें, बिला दलील के बातें। कितनी, तीन की बात भी बिला दलील हो गई और पांच की बात भी क्या हो गई, बिला दलील। तीन वो थे और चौथा कुत्ता था, या पांच वो थे और छठा कुत्ता था, ये दोनों बातें क्या हैं, ये कहकर कुरान क्या कह रहा है, बिला दलील है।
फिर कहा वह सबातन कौलुन सबातन के वो सात थे और आठवां कुत्ता था। इसको अल्लाह पाक ने बिला दलील के साथ नहीं जोड़ा, इससे पता चलता है कि ये कौल सही नहीं। समझे बात? तो तादाद कितनी हो गई? सबातन व सामिन हम कलबम, यानी सात वो लोग थे और आठवां उनके पास कुत्ता था, क्योंकि छह ये लोग आए थे और सातवां इनके साथ चरवाहा मिल गया था। अब आगे फरमाया कुर रब्बी आलम बिइद्दतिहिम, बस इस बहस में न पढ़ो। तीन कौल हमने आपको बता दिए कि भाई वो क्या है, तीन का कौल, पांच का कौल और सात का कौल, लेकिन ज्यादा राजे कौन सा है? सात है ही यही राजे, क्योंकि पहले वाले दोनों के साथ अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया, बेदलील बात, और तीसरी वाले के साथ अल्लाह ने ये लफ्ज जिक्र नहीं फरमाया। और फिर फरमाया अल्लाह ही जानता है इनकी तादाद को, मा यअलमुहुम इल्ला कलील, बहुत कम लोग जानते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाया करते थे कि मैं भी उन कलील में से हूँ, मैं भी जानता हूँ, वो थे सात। वो कितने थे? सात। और वो इसी से इस्तदलाल लिया उन्होंने, इसी बात से कि पहले दो कौलों को जिक्र करके अल्लाह कह रहा है रजमन बिल गैब, बेदलील बात, और तीसरी को जिक्र करके ये लफ्ज अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया। ठीक है, और एक और इशारा भी होता है पीछे वाली आयतें जो आ चुकी हैं, काला कायलो मिनहुम, जहां जब वो बेदार हुए थे तो एक ने कहा, कायल कहते हैं एक को, काला एक ने कहा, कितने तुम सोए हो? आगे जवाब आया कालू, उन्होंने कहा, और कालू जमा का है और जमा कम अज कम तीन होता है अरबी में। फिर दोबारा कहा कि कालू रब्बुकुम अअलम बिस्तुम, तुम्हारा पर, फिर दूसरों ने कहा, उसके लिए भी कालू का लफ्ज आया, कालू तुम्हारा रब जानता है। तो एक हो गया कायल, एक हो गया कि कितने तुम सोए हो भाई, यहां कितने रहे हो? जिन्होंने जवाब दिया कालू, तीन थे कम अज कम, उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारा क्या है, लबिसना यौमन औ बाज़ा यौम, आधा दिन हुआ या एक दिन हुआ। फिर दोबारा से कहा कालू रब्बुकुम आलम, दूसरों ने कहा, दूसरे तीनों ने कहा कि तुम्हारा परवरदिगार ही जानता है कि, तो तीन ये हो गए, तीन ये हो गए और एक हो गया सात। समझे? वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, लिहाजा आप ये न कीजिएगा आइंदा के लिए इस मामले में सवाल न कीजिए। वला तकूलन्न लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, ये भी इसी के साथ है, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया यहूदियों ने के कहने पर, मुशरिकीन ने सवाल किया कि असहाब कहफ कौन थे, क्या उनका किस्सा और कज़िया है, तो आपने फरमाया मैं कल बताऊँगा। इंशाअल्लाह कहना रह गया, उस पर 15 दिन वही का सिलसिला मौकूफ़ रहा। फिर तंबीह फरमाई वला तकूलन्न लिशैइन, आप मत कहिएगा किसी बात के लिए इन्नी फाइलुन ज़ालिका, कि कल मैं ये काम करूँगा, गदन कल करूँगा, मगर इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह की मशीयत के साथ उसको जोड़ा करो। कल के काम में क्या क्या करो? इंशाअल्लाह कहा करो। अगर भूल गए वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब याद आ जाए तो फिर कह दो, कोई बात नहीं। अगर उसी वक्त ना कह सके, याद आने पर कह दो। यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बड़ी अहम बात है, बहुत गौर से सुनिएगा इंशाल्लाह। नमाज पढ़ोगे भाई? बोलो भाई, इंशाल्लाह का मतलब क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह तो चाहता है आप नमाज पढ़ें, नहीं समझे बात? हाँ, एक बात यह कि मैं आपसे पूछूं कल आप सफर पर जाएंगे, आप वहां कहेंगे इंशाल्लाह, नहीं मालूम आपको कि मैं जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा, या मैं यहां से फलां दूसरे शहर में जो जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि मेरे अल्लाह की इस सफर में मेरी मशीयत है कि नहीं, अल्लाह की चाहत है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन नमाज, वो तो अल्लाह चाहता है कि हर बंदा नमाज पढ़े, तो अल्लाह पाक बोलो चाहता है कि हर बंदा क्या करे, तो ये कह रहा है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं पढ़ूंगा। हालांकि अल्लाह कहता है वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों के साथ कुफ्र को पसंद नहीं करता, ना शुक्री को, ना फरमानी को पसंद नहीं करता। तो इसलिए यहां बाज़ उलमा ने लिखा कि इंशाअल्लाह तो क्या नहीं चाहिए, आप कहें ये पढ़ूंगा यकीनन पढ़, फिर भी अगर इंशाअल्लाह, एक होता है इंशाअल्लाह तालीकन और एक होता है इंशाअल्लाह तबरीकन, तबर्रुक बरकत के लिए अगर आप लफ्ज़ इंशाअल्लाह कह देते तो ठीक है,
लेकिन तालीक का माना इंशाल्लाह मुअल्लक करना, मुअल्लक का मतलब शर्त के साथ कि अगर अल्लाह ने चाहा तो पढ़ूंगा, ये बात ठीक नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आपका तसव्वुर ये है इंशाल्लाह से मुराद अगर अल्लाह ने चाहा तो पढ़ूंगा, फिर गलत है। बाज़ ने तो इसको कुफर तक लिखा है, फिर तो ये कुफरिया बात है, समझे भाई। तो ये इंशाल्लाह कहाँ कहने का होता है, माशाल्लाह कहाँ कहने का होता है, सुभान अल्लाह कहाँ कहने का होता है, ये समझने की बात है ना। ये अरबी के कलिमात हैं और खैर मुसलमान की ज़बान पर ये कलिमात तो आते रहने चाहिए, समझे। वो बात किस्सा मशहूर है, कोई आदमी एक जनाब जानवर ख़रीदने जा रहा है, क़ुरबानी का मौका है, जेब में पैसे रखे हुए हैं, भाई कहाँ जा रहे हो, मंडी जा रहा हूँ, क्या करोगे भाई, तो मैं जानवर ख़रीद के लाऊँगा। तो किसी ने कहा भाई इंशाल्लाह कह दो, इसने कहा मेरे पास पैसे हैं इंशाल्लाह की क्या ज़रूरत है, समझे जी। तो अब वो वहाँ पैसे उसके चोरी हो गए, वापस जब आ रहा था तो हाँ भाई क्या हुआ, कहने लगा इंशाल्लाह मैं गया था मार्केट में मंडी में और इंशाल्लाह मैं जानवर ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन इंशाल्लाह मेरे पैसे चोरी हो गए, अब याद आइए इंशाल्लाह, समझे। तो अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की रज़ा ये मतलूब होनी चाहिए, मकसूद होनी चाहिए। और ऐसे अवामिर के जहाँ हमें अल्लाह की मंशा नहीं मालूम, वहाँ तो तालीक ज़रूरी है, वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर कहा करें। कोई भी काम है, कल ये काम करेंगे, आप कहें इंशाल्लाह मैं ये काम करूँगा, है। और जहाँ अल्लाह की मशीयत यकीनी है, पता है, तो वहाँ तो फिर इसको न कहा जाए। हाँ, तबर्रुक के लिए कह दें तो कोई हरज नहीं है। अब एक आयत आगे और पूरी कर लेते हैं ताकि माना पूरा हो जाए। इल्ला अन यशा अल्लाह, हाँ मगर अल्लाह का नाम। वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, और अपने परवरदिगार का नाम याद कर लिया करें। वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लि अक़रब मिन हाज़ा रशदा, और फरमा दीजिए असा अन यहदियनी रब्बी, मेरा परवरदिगार, मुझे उम्मीद है, यकीन है कि मेरा परवरदिगार मेरी रहनमाई करेगा, लि अक़रब मिन हाज़ा रशदा, इस तरह से जिस तरह से इनको अल्लाह पाक ने नेकी और भलाई की तौफीक अता फरमाई, इस तरह से मुझे भी। वला बिसूफी काफ़ी मसला समय अतिन, अब रह गई बात कि कितना रहे वो गार के अंदर। वला बिसू, वो रहे हैं गार के अंदर, सलासा में अतिन 300 साल, सलासा में अतिन सिनीन, कितने साल, 300 साल। वज़दादो तिसा, और मजीद उन्होंने 9 पूरे किए, 309 साल। तो 309 साल, बाद ने लिखा है कि अगर आप शमसी का हिसाब करेंगे तो फिर वो 300 बनेंगे, और अगर कमरी का हिसाब करेंगे तो फिर 309 बनेंगे। قُلِ اللَّهُ بِمَا لَبِسُوا, कह दीजिए अल्लाह ही सही जानता है उनकी हकीकत को। लहु गैबु السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, उसी के पास है गैब का इल्म आसमानों और ज़मीनों का। अब सिर भी व असमिया, क्या ही खूब वो देखता भी है और क्या ही खूब वो सुनता भी है। मा लहुम मिन दूनिही मिन वलीयिन, उसके सिवा कोई तुम्हारा मददगार नहीं है। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, लिहाजा उस अल्लाह तबारक तआला के हुक्म में, अल्लाह के फैसले में, हुक्मिही अल्लाह के फैसले में किसी को शरीक मत ठहराइए, अल्लाह के फैसले में किसी को शरीक मत ठहराइए। यानी अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वही मुसब्बिबुल असबाब है जो असहाब कहफ के निज़ाम को उसी ने बनाया, और उन्हीं की मुश्किलात को उसी अल्लाह ने हल किया, लिहाजा तुम्हारी मुश्किलात को भी वही हल करेगा। अपनी तमाम हाजात और तमाम जरूरियात में उसी अल्लाह को पुकारिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وسلم عليه